हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव लाइफ ऑफ रानी में। और आप लोग देख रहे होंगे ये यूनिक होम डिकोर करके एक शॉप है, तो सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ क्यों, चलिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को मैं यहाँ क्यों आई थी। तो ये है सिविल लाइन एरिया प्रयागराज का, चलिए चलते हैं दिखाते हैं हम लोग कहाँ जा रहे हैं। और ये टी स्मिथ कैफे। तो दोस्तों ये है एक वॉलपेपर शॉप जहाँ पे वॉलपेपर मिलते हैं और डेकोर आइटम मिलते हैं। तो हम यहाँ पे अपने डेकोरेशन का सामान कुछ देखने आए थे, यहाँ को कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया और ये फिर हमको मिली एक शॉप यूनिक होम डिकोर करके, जो काफ़ी अच्छी शॉप थी और सारी चीज़ें यहाँ पे काफ़ी अच्छी थी। और देखिए ये सोफ़ा रखा हुआ था इन्हीं की शॉप में। इनके यहाँ डिकोर का सारा आइटम मिल जाता है, सेटअप भी सारा खुद ही देते हैं। और ये देखिए एक सेंटर टेबल रखा हुआ था, वुडन है पर ग्लास फिनिशिंग दी गई थी, बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट मतलब फिनिशिंग थी इसकी, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये देखिए सारा होम डेकोर का है, ये सेटअप इन्होंने बनाया हुआ है पूरा। ना ये देखिए आर्टिफिशियल प्लांट है जो काफी अच्छे लग रहे थे। हम लोग पहले गए शॉप में, देखा पूरा, एक्सप्लोर किया पूरा, सर्च कर रहे थे कहाँ पे क्या चीज़ें, कैसे क्या है और क्या क्या चीज़ें हैं इनके यहाँ। और देखिए ये मैं सोफे में बैठे हुए देख के कंफर्टेबल, चेक करते हुए कि कंफर्टेबल है कि नहीं, काफ़ी अच्छी शॉप थी। और सबसे बड़ी बात होती है किसी भी शॉप की वहाँ के ओनर की, तो यहाँ के ओनर भी बड़े अच्छे थे और काफ़ी सपोर्टिव थे और बातचीत बहुत अच्छे से कर रहे थे। अगर आप लोग इलाहाबाद में हैं, रहते हैं, तो अगर आप लोगों को डेकोर आइटम कुछ चाहिए तो इनके यहाँ जाके देख सकते हैं और काफ़ी अच्छे हैं। और ये मैं पोज देते हुए देखिए, अगर देखते हैं किसी में, किसी को टेरेस पे गार्डनिंग करनी हो या कुछ ऐसा सेटअप लगाना हो तो उसके लिए भी इनके यहाँ था, काफी अच्छा लग रहा था। और ये हैं ओनर वहाँ के, काफी अच्छे हैं। और देखिए पूरा इन्होंने ये सेटअप बनाया हुआ है, ये वुडन का भी काम करते हैं, देखिए खुद ही इंटीरियर करते हैं। और ये गौतम बुद्ध फिर से, तो मुझे काफी अच्छे लग रहे थे। देखिए ये है वॉल क्लॉक लगी हुई है, कई वैरायटी थी, काफी अच्छा था, बहुत सुंदर लग रहा था। ये पूरा एक सेटअप बनाया हुआ है इन्होंने। और ये देखिए ये इन्होंने मॉड्यूलर किचन का भी सेटअप लगाया हुआ है, खुद इंस्टॉल करते हैं जाके। और काफी अच्छी शॉप थी, सबसे बड़ी बात कि रिजनेबल प्राइस पे काफी अच्छी रेंज रखे हुए थे, काफी अच्छे सामान थे इनके यहाँ। और ये कुछ वॉलपेपर हम लोग देख रहे थे जो थोड़े पसंद आ रहे थे पर अभी हमने लिए नहीं है, अभी देख रहे हैं सही से सब जगह, फिर डिसाइड कर लेंगे तब लेंगे। वैसे 50-50 चांस है कि हम इन्हीं की शॉप से लेंगे क्योंकि हमको काफी अच्छा लगा था इनके यहाँ का, काफी सुंदर सुंदर वॉलपेपर है ना। काफ़ी टाइम हो गया था ना, लगभग तीन बज गया था, फिर हम लोग गए, काफ़ी भूख भी लग गई थी तो गए वहाँ पे खाना खाने। और चलिए देखते हैं, ये मैं अपने फ्रेंड से कुछ बात कर रही हूँ, कुछ कह रही थी तो मुझे मजा आ रही थी उसकी बात सुन के, कुछ कह रही थी और वहाँ पे इतना ज़्यादा नॉइज था, इतना ज़्यादा शोर हो रहा था कि फिर मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। और देखिए, और चलिए देखते हैं हमने कहा, खाना खजाना, ये सिविल लाइन एरिया में पड़ता है प्रयागराज में, काफी अच्छी लोकेशन थी इनके यहाँ का।
खाना भी अच्छा था इनके यहाँ। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, बहुत अच्छा बनाया हुआ था इन्होंने। छोटे से जगह पे काफ़ी अच्छा इन्होंने सेटअप किया हुआ है। और चलिए देखिए बताइए हमने क्या खाया। चलिए देखते हैं, ये फ्राइड राइस और चिली पनीर खाया हमने वहाँ पे। ये देखिए फिर काफ़ी टेस्टी खाना था इनके यहाँ। और ये फिर आने के बाद घर, ये सामने एक भैया रहते हैं, उनके यहाँ ये डॉग है, इसका नाम है सिमी, जो बहुत डरपोक है पर हम लोग को पहचानता है इसलिए आ जाता है। और देखिए बहुत क्यूट है, बहुत ही ज़्यादा, बस हम ही लोगों के पास आता है। अगर आसपास में किसी के यहाँ जाना तो बस हम ही लोगों के पास आता है। देखिए और मैं कह रही थी पंजा दो, बहुत ज़्यादा डरपोक है। अभी बहुत छोटा है पर इसकी हाइट की वजह से छोटा लगता नहीं है, पर अभी तो 3 महीने का ही है ये। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। और बाय बाय, नाइट।